दोस्तों कैसा होगा ना कि हम हर एक दिन अपने बालों में कुछ ना कुछ नया नया हेयर स्टाइल कर रहे हैं। ये हर औरत का, हर महिला का ये एक सपना होता है कि मेरे बाल लंबे हों, घने हों, मोटे हों। लेकिन कभी स्ट्रेस की वजह से, कभी कोरोना की वजह से, कभी डिलीवरी की वजह से, तो कभी हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारे बाल लगातार झड़ते ही रहते हैं। तो मैं आज आपके लिए एक रामबाण लेकर आई हूँ कि आपके बाल की ग्रोथ हो जाएगी डबल। जी हाँ, ये लाइफ टेस्टेड है, मैंने खुद टेस्ट किया हुआ है। तो मैं आपको बताती हूँ बहुत ही इजी घरेलू उपाय। ये मैंने यहाँ पे लिया है एक प्याज। प्याज हमारे बालों के लिए रामबाण होता है। प्याज में होता है सल्फर, जो कि हमारे शरीर के लिए और हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो प्याज से बालों की एक नहीं अनेक समस्याओं का समाधान होगा। बाल शाइनी होंगे, थिक होंगे, बहुत मजबूत होंगे, और अगर बाल झड़ रहे हैं तो नए बाल रुक जाएंगे, बाल का झड़ना भी कम हो जाएगा। मैंने यहाँ पे प्याज को छील लिया है। प्याज को छीलने के बाद इसे मैं रफली चॉप कर लूँगी, और रफली चॉप करने के बाद इसे मैं इसकी एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। प्याज को पीसते वक्त हमें ये ख्याल रखना है कि प्याज में हमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है, क्योंकि प्याज का तो अपने आप ही रस होता है, तो उसी रस, वही रस हमें चाहिए। तो प्याज को मैं बिल्कुल फाइन इसकी पेस्ट तैयार कर लूँगी। दोस्तों अभी 2 महीने पहले ही मेरी डिलीवरी हुई थी और पोस्टपार्टम हेयरफॉल से मैं भी जूझ रही थी, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी उपाय से अपने बालों का झड़ना पूरा कम हो गया, और मेरी बालों की ग्रोथ आप देख लोगे अगर तो बोलोगे। फिर अभी जस्ट कोरोना में मेरी सासू माँ को कोरोना हुआ था, उनके भी बाल लगातार झड़े जा रहे थे, लग रहा था कि एक भी बाल सर पे नहीं बचेगा। यही उपाय से हमने उनके बालों का रीग्रोथ हुआ उनके बालों का, और उनके बाल भी काफ़ी अच्छे लंबे मोटे हो गए हैं। तो इस नुस्खे को आप ज़रूर ट्राई करें और आप ज़रूर फ़र्क देखेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो अब यहाँ पे प्याज पीसने के बाद मैं यहाँ पे एक सूती कपड़ा ले रही हूँ, और इससे हम प्याज के रस को अच्छे से निचोड़ लेंगे। तो हमने यहाँ पे प्याज का रस निकालना है। आप अगर चाहें तो प्याज को छन्नी से छान भी सकते हो, उससे भी रस आ जाएगा आसानी से बाहर। तो इस तरीके से इसे हम घुमा घुमा कर और इसके सारे रस को निकाल लेंगे। दोस्तों ये बहुत ही पहले एंशियंट टाइम से आया जा रहा है कि बालों के लिए प्याज बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। अभी इसमें हम कुछ चीज़ें और मिक्सअप करेंगे, तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये मैंने प्याज के रस को निकाल लिया। अगर आपके पास प्याज छोटे हो तो आप 2 प्याज ले सकते हो। अपने बालों की ग्रोथ के हिसाब से आप प्याज ले सकते हैं, कितने आपके बाल में लग जाएंगे। ये मैंने प्याज के रस को निकाल लिया। आप चाहें तो बचे हुए प्याज को सब्जी में डाल सकते हो। तो ये कम से लगभग 4 चम्मच प्याज होगा। अभी मैं ले रही हूँ दही। तो दही में भी बहुत सारे अनेक गुण होते हैं बालों के लिए। इससे डैंड्रफ ख़त्म हो जाएंगे, बाल सिल्की एंड शाइनी हो जाएंगे। तो दही का उपयोग आप ज़रूर करें। गर्मी का मौसम है और दही से थोड़ा सर भी ठंडा रहता है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4 चम्मच दही। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। दोस्तों आपने इसे हफ्ते में 2 या 3 बार लगाना है, इससे कम नहीं लगाना है, 3 बार तो लगाना ही लगाना है। अगर आप जल्दी रिजल्ट चाहते हो तो आपने इसको 3 बार यूज़ करना है। और अभी मैं इसमें डालूँगी एक और चीज़, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ नारियल तेल। किसी भी ब्रांड का आप नारियल तेल ले लो। नारियल तेल बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तेल को यूज़ करोगे तो आपके बालों की ग्रोथ बढ़ ही जाएगी। तो ये मैं यहाँ पे नारियल तेल डालूँगी। दोस्तों नारियल तेल के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, चाहे वो आपकी बॉडी के लिए हो, फेस के लिए हो, या फिर बालों के लिए हो, ज़बरदस्त इसका फ़ायदा होता है। अगर आप इसे रातों में अपने बालों पर लगा के सोए और नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही बाल साफ़ कर लें, फिर आपके बालों की चमक देखिए आप। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच नारियल तेल डालूँगी। मैं यहाँ पे एक और आपको टिप दे दूँ। अगर आप रात में सोने से पहले नारियल तेल मुँह लगा के सोओगे तो आपके फेस पे बहुत ही गजब की शाइन आ जाएगी, और आपकी फेस बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसे आप एक बार ज़रूर फॉलो कीजिएगा।
अब इस मिक्सचर को आप नहाने से 1 घंटे पहले लगा सकते हो, या फिर आप चाहो तो रात में सोने से पहले भी इसे लगाकर और नेक्स्ट मॉर्निंग में इसे साफ़ कर सकते हो। शैम्पू के साथ भी आप साफ़ कर सकते हो, क्योंकि प्याज की जो महक होती है वो बर्दाश्त करने लायक नहीं होती है, तो आप इसे भी ऐसे कर सकते हो। तो आप इसे ज़रूर इस मिक्सचर को लगाएं, 100% गारंटी मेरी है, क्योंकि मैंने इसे लाइव देखा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।